हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद राहुल। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट में लिख रहे थे कि सर जल्द से जल्द जो है आप साइंस की वीडियो लाइए, ठीक है। तो उनको देख करके हम आज साइंस का ग्रैंड क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो सारे बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे और सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो आज से देखिए आप लोग का ये साइंस का जो टॉप 20 का ये टारगेट बैच एक चलेगा, ठीक है, जो कि जिसे आप क्यूज़ के तौर पे भी मान सकते हैं या फिर मौखिक टेस्ट के रूप में भी जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेहद ही शानदार और लेटेस्ट होने वाला है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो वो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए तो सारे बच्चे जुड़ जाएँ जल्दी से जल्दी। और जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे उसके लिए आपको चार ऑप्शन भी रखेंगे इधर, ठीक है। और आपको 15 से 20 सेकंड का मौका मिलेगा उसका जवाब देने के लिए, ठीक है। तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देंगे और लास्ट में हमें बताएंगे किन बच्चों का कितना आंसर जो है वो सही गया। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पे। देखिए आपके सामने प्रश्न इस प्रकार से है, और देखिए ये जो टॉपिक है वो साइंस का है, मतलब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का प्रॉपरली तैयारी आपका करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था या मिला है, ठीक है। प्रश्न हमारा है हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए हमारा पहला ऑप्शन है अनुवांशिक कोड, बी में है हार्मोन, तीसरा है इम्यूनोलॉजी, चौथा है जीन संश्लेषण, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। चलिए बहुत सारे बच्चों का जवाब भी सही आ रहा है। चलिए इसके आंसर को हम लोग जान लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन ए लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही है। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो था अनुवांशिक कोड के लिए, ठीक है। चलिए जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो नोट्स बनाते चलेंगे। आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छे प्रश्नों में से एक है ये सब, सारे साइंस का। दूसरा प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए प्रश्न हमारा क्या था, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन हमारा इसमें चार दिया गया है, एंथोलॉजी, एग्रेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी और पॉलिनोलॉजी। ये आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। चलिए कुछ समय आप लोग कुछ पास हैं, आप लोगों के पास इसका जवाब दे सकते हैं आप। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन नहीं लग रहा बिल्कुल ही सही है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा ये भी है, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसका, ये बायोलॉजी का। ये बेहद ही शानदार क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड किया जाता है कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, तो आज के बाद इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, एकदम अच्छे से याद करके जाना है रट के एकदम। देखिए चार ऑप्शन दिया गया हमारे सामने, लैमार्क, मेंडल, वैलेस और चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चलिए इसका जवाब जल्दी जल्दी से देंगे सारे बच्चे हमें। जी हाँ विकास जी बिल्कुल सही आपका आंसर है। चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन डी लग रहा है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा कह रहा है, पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है, ठीक है। ये हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है कि पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है। ऑप्शन हमारा देखिए, कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे फ्लोयम, ये छूट गया थोड़ा सा, ये कैम्बियम और ये जाइलम, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये जो ऑप्शन हमारा ये फ्लोयम लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा छूट गया है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो
तो चलिए आप इसके आंसर को बताएंगे सारे बच्चे क्या होना चाहिए इसके आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। ठीक है जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन डी लग रहा है बिल्कुल ही सही है, पौधों में जल का परिवहन, इसको ट्रिक से भी हम लोग याद रखते हैं, जल जाइलम फल फ्लोयम। ठीक है जब जल का आएगा और खनिज लवण तो जाइलम, और भोजन का जो है वो काम करता है पहुंचाने का फ्लोयम। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्नों में से एक ये देखिए और भी आ गया पांचवा नंबर प्रश्न। चलिए देखिए पांचवा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है नारियल में खाने योग्य भाग होता है कौन सा होता है, नारियल में खाने योग्य भाग। ठीक है देखिए हमारा ऑप्शन है ब्रह्म फलवृत्ति, भ्रूणपोष एवं भ्रूण, अंतः फलवृत्ति या मध्य फलवृत्ति। ठीक है ये आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए सारे बच्चे इसका आंसर देंगे हमें क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन बी लग रहा है उनका बिल्कुल आंसर सही है, भ्रूणपोष एवं भ्रूण। ठीक है दोनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक कर देना है, या दोनों भी रह सकता है, भ्रूणपोष तथा भ्रूण नारियल का खाने योग्य भाग्य कहलाता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते छठे नंबर क्वेश्चन पे, तो ये हमारा टॉप 20 क्वेश्चन होगा, हर एक ग्रैंड क्यूज में हम लोग 20 बेहद ही शानदार प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों से मिक्स रहेंगे और तीनों का मतलब संग्रह रहेगा साइंस से। ठीक है तो चलिए जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल से को सब्सक्राइब नहीं किया है न्यू है वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग, हमारा प्रश्न देखिए कह रहा है किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा ऑप्शन ए है, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ऑप्शन ए हमारा है थियामीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, राइबोफ्लोबिन और ये है नियासिन। ठीक है तो ये चार ऑप्शन आप लोग के सामने है, चलिए सारे बच्चे इसका आंसर जल्दी जल्दी से देंगे। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन डी लग रहा है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, नियासिन की कमी से। ठीक है चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेवन पे, सेवन कह रहा है हमारा कि स्टॉर्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है। ठीक है स्टॉर्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, ऑप्शन हमारा इन्वर्टेज, जाइमेस, डायस्टेज और माल्टोज। ठीक है स्टॉर्च को माल्टोज में कौन बदलता है, चलिए सभी बच्चे जवाब देंगे इसके जल्दी जल्दी से, बहुत अच्छा बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं, ए नंबर इसका आंसर होगा इन्वर्टेज। ठीक है स्टॉर्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम इन्वर्टेज होता है। चलिए 8वें नंबर पे बात करते हैं, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन हमारा यूरिया, शुगर, एसिटिलीन और मीथेन। ठीक है तो चलिए इन चारों ऑप्शन में आप लोग को चूज करना है, जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन नहीं लग रहा है बिल्कुल ही सही है। ठीक है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, क्लोरीनीकरण, बहुलीकरण, देखिए चारों ऑप्शन रख रहे हैं, ऐसा नहीं समझना है कि हम टिक कर दिए तो आंसर हो गया ये, ठीक है कंफ्यूजन नहीं रखना एकदम, ऑप्शन अभी पढ़ रहे हैं हम, क्लोरीनीकरण, बहुलीकरण, पाश्चुरीकरण और किण्वन, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चलिए इसका आंसर देंगे सारे बच्चे। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को किण्वन कहा जाता है। आगे बढ़ते 10वें प्रश्न पे, 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चलिए और चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, सोना, यूरेनियम, पारा, नियॉन। ठीक है चलिए जिन बच्चों को ऑप्शन नहीं लग रहा बिल्कुल सही है, ए नंबर टिक करेंगे सारे बच्चे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सोना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें नंबर प्रश्न पे, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है। ठीक है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन आपका है ऊर्ध्वपातन, आसवन,
बहुलीकरण क्वथन, ठीक है, क्या होना चाहिए इसका जवाब देंगे सारे बच्चे हमें। चलिए बहुत अच्छा, ऊर्ध्वपातन जिन बच्चों को लग रहा है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। जी हाँ रवि जी, आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सारे बच्चे बताएंगे कि कितना प्रश्न उनका जो है वो सही गया, ठीक है। चलिए 12वें प्रश्न पे बात करते हैं। प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा है एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन और अमोनिया, ठीक है। चार प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न का चार ऑप्शन बताएंगे सारे बच्चे। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को आइसोप्रीन लग रहा है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 13वें नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे 13 है ये, 18 नहीं समझेंगे सारे बच्चे, ठीक है, ये 13 ही है। प्रश्न हमारा है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है किस अम्ल का। देखिए नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिनॉल का या बेंजोइक अम्ल, ठीक है, सारे बच्चे इसका जवाब देंगे जल्दी जल्दी से। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन डी लग रहा है बिल्कुल सही है, टिक करेंगे इसे। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का, ठीक है। तो सारे बच्चे हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि उनका कितना प्रश्न जो है उस ग्रैंड क्यूज में सही गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। नीली ज्वाला के साथ जलती है, ठीक है, नीली ज्वाला के साथ क्या जलती है। ऑप्शन हमारा है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो चलिए आंसर बताएंगे इसका। जी हाँ चलिए बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन बी लग रहा है बिल्कुल ही सही है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नीली ज्वाला के साथ जलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ते 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है, मतलब क्या चेंज नहीं होता है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों में से एक है, इसको वीवीआई करिएगा, ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीटेड किया गया प्रश्न है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या फिर जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, उसका क्या नहीं बदलता है। चलिए चार ऑप्शन है आपके सामने, चाल, आयाम, तीव्रता, आवृत्ति, क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आवृत्ति उसका नहीं चेंज होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 16वें प्रश्न पे बात करते हैं। वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर निम्न भौतिक गुण अपरिवर्तित रहता है, अगर किसी वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं हम लोग तो क्या अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा है आयतन, भार, घनत्व, द्रव्यमान। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है, घनत्व उसका अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 हमारा कह रहा है निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ का मतलब सबसे ज्यादा तना हुआ, ठीक है, इस टाइप से। ऑप्शन हमारा है रबर, इस्पात, हाथी दांत की गोली और ऑप्शन डी हमारा है कांच, ठीक है। चलिए सारे बच्चे जवाब देंगे इसका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन बी लग रहा है इस्पात वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। बहुत अच्छा प्रश्न ये है, देखिए कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन हमारा ये है, देखिए संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, दोनों सही है या दोनों गलत है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि ऑप्शन यहाँ पे अगर ये आपको लग रहा होगा तो आप जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि ये टिक करके आ जाना है, पहले चार ऑप्शन को सही से पढ़ना है। ऑप्शन ए पढ़े हम लोगों ने, ऑप्शन बी पढ़ा, सी पढ़ा और डी पढ़ा। हो सके आपको ये लग रहा है आपने ये टिक कर दिया, जैसे मान लीजिए आपको ये लग रहा है आपने एग्जाम में ये टिक करके चला आया, ठीक है, और मान लो कि आपका ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, और यहाँ देखिए ऑप्शन सी में क्या है, दोनों सही है, तो हमें एग्जाम में क्या टिक करना है, ये वाला टिक करना, ठीक है। तो सारे बच्चे इसीलिए हम बोलते हैं कि वीडियो को लास्ट तक स्किप ना करें, एकदम लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर जानेंगे हम लोग, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। देखिए बिल्कुल सही, इसका आंसर एकदम वही हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों सही है, संवेग भी दुगना हो जाता है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है चार गुनी, यानी दोनों सही था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है।
चलिए 19वें प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक निम्न दिशाओं की ओर संकेकित रहता है। ठीक है, जब स्वतंत्र एक चुंबक को लटका दिया जाता है तो किस दिशा की ओर वह घूमता है? उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पूरब पश्चिम, निश्चित नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका जवाब? ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते भी होंगे, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है ये। बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन नहीं लग रहा उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। उत्तर दक्षिण में वो दिखाई देता है। जब आप एक चुंबक को जो है स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो वो हमेशा क्या है, उत्तर दक्षिण की दिशा में उसका जो है वो फेस, दोनों फेस दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आज ग्रैंड क्विज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे और हमें ड्रीम क्लासेस पर भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के इस लास्ट प्रश्न पे बात करते हैं कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा न्यूटन, केपलर, गैलीलियो और कॉपरनिकस। ठीक है, चलिए सारे बच्चे जवाब देंगे इसका। जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ग्रहों के गति का नियम इसका आंसर जान लेते हैं, बहुत ही अच्छा, जिनको बी लग रहा है बिल्कुल ही सही है, केपलर ने। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोग को ये सेशन बहुत ही बेटर लगा होगा और आगे भी आने वाले टाइम में आप लोग को इसी तरह के ग्रैंड क्यूज देखने को मिलेंगे साइंस के टॉपिक्स। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए चैनल पे, सपोर्ट करते रहिए हमें टारगेट विथ राहुल पे। आप हमें ड्रीम क्लासेस पर भी फॉलो कर सकते हैं और क्लास 10th की स्टडी के लिए आप हमें सक्सेस स्टडी पॉइंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।